तो यहाँ पर सब लोग स्कूल जा रहे हैं तैयार होके। तो आप बच्चे, हम और चंदन के पापा डेली में अकेली रहती थी घर पे। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़, आप सबको अच्छा लगेगा। नमस्ते कर लो सब लोग। तो आज अंजलि का चेहरा रिएक्शन कुछ अलग ही है, क्या बात है अंजलि? सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर बोवे का सब्जी काट रही हूँ, आज यही बनेगा। और अभी हम बोआई किए हैं किचन गार्डन में, फल नहीं रहा है, थोड़ा लेट हो गया था बोआई करने में। तो यहाँ पर काट लेते हैं, चावल डाल दी हूँ, दाल हमारा पक रहा है, लग रहा है। इतना सब्जी काट ली हूँ, थोड़ा सा काटना है और ये कुल मिला के आधा किलो है। तो सब्जी को काट लेते हैं। तो यहाँ सब्जी काट रही हूँ, गुंजन यहाँ पर आटा गूंथ रही है। आज सुबह का टाइम आटा गूंथना ज्यादा पड़ रहा है ना गुंजन? नहीं। तो चांदनी हमारी चाय रख दी है, चावल देख लो आज चांदनी चावल। चंदन के पापा आ गए हैं घर पे और अभी नहाने धोने में सब लगे हुए हैं। तो देर रात को आए, रात हो गया था, रात को करीब 11 बजे घर पे पहुंचे थे। तो रात को मैं नहीं दिखाई वीडियो में। पापा के आने से कौन कौन खुश है? चटनी खुश हो पापा आए हैं? आए हाँ। चटनी नहीं खुश है? गुंजन गुंजन खुश है पापा के आने। सबसे ज्यादा दुखी चंदन होंगे आने पे। तो यहाँ पर सब्जी काट चुकी हूँ, वहाँ पर चाय चटनी बना दी है, उबल गया है चाय, देख रहे। तो यहाँ चाय अच्छे से उबल गया। तो गुंजन चाय छान के दे दी है और सब लोग जा रहे हैं डबल रोटी खाने। 3, 3, 6, 3, 9, 12 तो आज दो दो खाएंगे। तो यहाँ पर हम डबल रोटी दे रहे हैं सबको। अभी गुंजन चंदन और चंदन के पापा को देना है। तो यहाँ पर हम पैक देते हैं सब्जी, बच्चों को स्कूल भी जाना है। तेल को डाल देते हैं। तो सब लोग चाय पी चुके हैं, यहाँ पर हमारा सब्जी बन चुका है और सब शोर मचा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल तैयार हो रहे हैं। तो सूखी सब्जी बनाई हूँ, बोवे का सब्जी हमारा बहुत अच्छे से बना है, देखिए कुछ इस तरह से, वैसे लगभग पक चुका है। मिक्स मसाला सब्जी सब खत्म था तो पुड़िया वाला मसाला दुकान से लाकर डाली हूँ सब्जी में। और इधर हमारा दाल भी पक गया है, तो बना ली हूँ। यहाँ पर चावल बन गया है, चाय सब पी चुके हैं। तो यहाँ पर बर्तन बटोर के ले चलते हैं, नल पे रख देते हैं। अब रोटी बनाना है और बच्चे सब तैयार हो रहे हैं। तो सब्जी तो बन चुका है, रोटी बनाना बाकी है। यहाँ बच्चे सब तैयार हो रहे हैं स्कूल पे जाने के लिए। तो रात में आए चंदन के पापा 11:30 बजे और फिर रात का तो कौन कैमरा उठाए, वीडियो बनाए, दिखाए। तो यहाँ पर आ गए हैं, नमस्ते कर लो आज चंदन के पापा। राम राम। तो शहर में अच्छा बीता, कैसा बीता? अच्छा बीता, सब अच्छा है। तो मैं इनसे बोलती थी कि वहाँ का वीडियो थोड़ा बना के जहाँ जाते हो थोड़ा लोकेशन डाल दिया करो, सभी दीदी भैया को अच्छा लगेगा। मैं घर में ही सीमित रहती हूँ और डेली डेली वही वीडियो शूट करती रहती हूँ, कहीं आना जाना रहता नहीं है। तो कहते थे नहीं हम नहीं डाल पाए, हम नहीं बनाएंगे वीडियो, हम काम कर रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं मिला। तो यही सब ऐसा बोलते थे। अच्छा बताओ बच्चों के लिए क्या क्या लाए हो? अंजलि, पापा तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या लाए हैं? कुछ नहीं। तो अंजलि बोल रही है कुछ नहीं, तो क्यों नहीं लाए अंजलि के लिए? तो कोई जवाब ही नहीं है। तो बोल रहे थे रात को दुकान बंद था, कहीं 10-11 बजे कोई दुकान खुला ही नहीं था, तो कहाँ से ले लें। और कल गाड़ी 8 घंटा लेट थी, तो हम भी परेशान थे कि इतना टाइम हो गया और ये
कहाँ पे हैं, कैसे हैं, फोन भी बीच में बंद हो गया तो ऊब सा गए। और वैसे आते थे एक दिन 2 बजे बैठते थे यहाँ, शाम को नहीं दिन के 11 या 1 बजे तक बीच में पहुँच जाते थे, लेकिन अब की बार लेट था तो 11 बजे पहुँचे। तो वहाँ पर अंजलि आज स्कूल जाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो आज हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, सिर्फ चंदन कैमरा के पीछे हैं। अंजलि बोल रही थी आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी तैयार कर दी, तो अब सब इन सबको हम स्कूल भेज देते हैं। और गुंजन को मिठाई खाने का नहीं मिला, इनके पापा कमा के आए, मिठाई ही नहीं लेकर आए। तो चंदन के पापा मिठाई नहीं लाए थे, तो इसके बदले में पैसा दिए हैं, सबको दे रहे हैं। ये 20 का सिक्का है देखिए, तो इसी में सब 5-5 रुपया ले लेंगे, 5 और 20। तो हम देते हैं सबसे ईमानदार गुंजन, लेकिन ईमानदार नहीं कह सकते, कभी कभी गुंजन भी अपना दिमाग लगा देती है। तो 5 अंजलि को 5 शीतल को है ना, 5 अपना हाँ, और 5 चंदन का, तो हो गया बराबर। और अब जा रहे हैं सब लोग स्कूल, मिठाई के बदले में पैसा, यहाँ 20 रुपया है सभी का हो जाएगा, 20 का सिक्का है ना। तो यहाँ पर सब लोग स्कूल जा रहे हैं, तैयार होके सब चले जाएंगे। तो आप बच्चे, हम और चंदन के पापा डेली में अकेली रहती थी घर पे, तो हंस रहे हैं। तो चलते हैं खाना बनाते हैं और कपड़ा यही सब धुलना है। और डेली में अकेले रहती थी घर पे, आज थोड़ा 2 लोग बचे, नहीं तो बच्चे छोड़ के चले जाते थे। तो चंदन के पापा घर पे हैं, देखिए आज पंखा बना रहे हैं, बिगड़ा हुआ था तो यहाँ पर पूरा खोल दिए हैं पंखे को, तो यहाँ पर बनाने में लग गए हैं। तो यहाँ पर अभी बनाएंगे और दोनों पंखा खोलेंगे, अभी एक ही खोले हैं। तो दोस्तों ये दोपहर का समय है और यहाँ पर हम सरसों को साफ कर रही हूँ, कल जो साफ की थी तो इसमें गेहूँ भी है और धुल दी थी मिट्टी तो खत्म हो गया है, तो यहाँ झोले में रख रहे हैं, तेल नहीं है और वैसे तो तेल खरीद के लाना ही पड़ता है, थोड़ा गेहूँ में था मिल गया था, तो यहाँ पर चाल रहे हैं इसी तरह। तो देखिए नीचे रखा, तो यहाँ देखिए चाल के बहुत अच्छे से आसानी से सरसों चाला जा रहा है। तो इसी तरह पूरा सरसों साफ कर लेते हैं, अभी तेल निकलवाने जाना है। अंजलि अंजलि जब दो बोतल में तेल रहता है थोड़ा थोड़ा तो कहती है कौन लगाने वाला है कौन खाने वाला है ना अंजलि। अच्छा चल लेते हैं फिर आगे का फिक्स करेंगे दीदी। साफ कर ली हूँ और तेल भी तेरा लाए सरसों का निकलवा लाए, तो यहाँ पर सारा कपड़ा रख रही हूँ और तो यहाँ पर मैं अपना कपड़ा सारा रख रही हूँ, सब धुली थी तो यहाँ पर साड़ी डिब्बे में रख रहे हैं और तो फोल्ड कर लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों आज का वीडियो आप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। तो आज पूरे 3 महीने के बाद चन्नी के पापा घर पे आए हैं, पहले तो इससे भी ज़्यादा रहते थे। और यहाँ पर तो आप सबको मैं दिखाई, उनको कुछ दिन रहेंगे। और कल वाले वीडियो का बात करें तो कमेंट बॉक्स कल भी बंद था, हमें आशा था कि कल कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा, लेकिन शाम को त्यागी भैया से कमेंट बॉक्स को ओपन करवाई, थोड़ा उसमें चैनल में सेटिंग करवाना है जो बच्चों को मैं दिखाती हूँ यूट्यूब के गाइडलाइन से खिलाफ है। तो जैसे बच्चे बड़े बुजुर्ग जिस हिसाब से वीडियो बनाते हैं तो उसमें कैटेगरी को सेट करना पड़ता है, तो हमारे चैनल में बच्चों से रिलेटिव कैटेगरी सेट नहीं है, इसीलिए यूट्यूब बार बार प्रॉब्लम करता है चैनल में। तो मैं त्यागी भैया से रिक्वेस्ट की हूँ कि भैया हमारे चैनल को ठीक कीजिए। तो आशा करती हूँ आप सब मेरे बातों से सहमत होंगे, आज हो सकेगा तो मैं
सेटिंग करवा के और उसको कमेंट बॉक्स ओपन कर दूंगी डेली कमेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।